नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम सेट्स क्लास 11 का देखने जा रहे हैं। सेट्स में ऑलरेडी दो वीडियो सेशंस आ चुके हैं। उनमें जो हमने पहले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था वो था इंट्रोडक्शन कि सेट्स क्या होता है, और फिर हमने उसी वीडियो में उसके रिप्रेजेंटेशन देखे थे। दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो हमने दो तरह के बेसिकली किए थे, एक था सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा था रोस्टर फॉर्म। तो हमने जो है वो दोनों वहां पर इन डिटेल किया था। उसके बाद हमने जो है एम्प्टी सेट यानी कि नल सेट, जिसमें कि कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो वो उसके बाद इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स हमने देखे थे अपने वीडियो सेशन सेकेंड में। आज जो है वीडियो सेशन थर्ड है, और आज जो हम देखने जा रहे हैं सेट्स में, तो सेट्स के जो सेट्स में हमारे पास यहां पर एक होता है सबसेट्स, ठीक है। तो हम पहले सबसेट्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद सबसेट्स पर ही हमारे पास यहां पर सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स को हम रियल नंबर ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स को हम जो है डिस्कस करेंगे, और फिर हम सबसेट एस एन इंटरवल देखेंगे। सबसेट ऑफ अ रियल नंबर जो होता है हमारे पास वो इंटरवल की तरह लिखा जा सकता है। इंटरवल्स हमारे पास चार तरीके का होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्लोज इंटरवल होता है, फिर लेफ्ट ओपन इंटरवल, फिर राइट ओपन इंटरवल, और फिर ओपन इंटरवल। तो चार तरह के इंटरवल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स वाले सेक्शन में ही। और फिर हम फर्दर पावर सेट डिस्कस करेंगे और यूनिवर्सल सेट डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में हम कुल मिलाकर के मेन तीन पॉइंट्स देखेंगे। पहला हम सबसेट देखेंगे, सबसेट्स क्या होते हैं वो हम डिफाइन करेंगे। फिर दूसरा हम पावर सेट्स देखेंगे और यूनिवर्सल सेट देखेंगे। तो हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं सबसेट्स के साथ। तो सबसेट्स होते क्या हैं, पहले हम ये देखते हैं। तो इसके लिए ये है कि अगर मान रखिए कि आपके पास ए कोई सेट है, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें अगर, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमारा ए एक सेट है। फिर बी एक सेट है जिसमें 1, 3, 5 ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम ए और बी को कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर देखिए कि बी जो है छोटा सेट है और उसके सारे एलिमेंट्स 1, 3 और 5 ए के भी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से बी जो है सबसेट ऑफ ए होगा, और इस रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली हम इस तरह से डिनोट कराते हैं कि बी इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट का ये सिंबल होता है। जब हमें नॉट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे अब हम कंसीडर करें कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी के भी हैं, तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 जो है ए में बिलोंग कर रहा है पर वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहां पर हम इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो हमारे पास सबसेट्स को अगर फॉर्मली डिफाइन करें तो किसी दो सेट्स की जरूरत होगी। उसमें से अगर हमारे पास जो दो सेट्स होंगे, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट के भी होंगे, दूसरे वाले सेट में भी होंगे, तो हमारा जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। जिस तरह से यहाँ पर बी जो है सबसेट ऑफ ए है, तो मतलब ये हुआ कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग कर रहा है और वो फर्स्ट में भी बिलोंग कर रहा है,
तो दूसरा वाला सेट जो है पहले वाले सेट का सबसेट है, ठीक है। तो सबसेट्स को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास सबसेट्स का क्या मतलब है, कि अगर हमने मान लिया लेट एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, वो बिलोंग्स टू बी है, एंड ऑल्सो एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, देन बी जो है वो सबसेट ऑफ ए होगा, प्रोवाइडेड ये जो है एक्स आर्बिट्ररी एलिमेंट हो। आर्बिट्ररी एलिमेंट मतलब हमने कोई भी एलिमेंट लिया और वो दूसरे में बिलोंग कर रहा है, मतलब बी का कोई भी एलिमेंट आपने लिया और वो ए में अगर बिलोंग कर रहा है तो बी विल बी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर हमारे पास ये ए से बी की तरफ भी जा रहा है तो फिर क्या होगा, जैसे देखिए यहां पर सबसेट्स का एक और ये है कि अगर आप यहां पर ए सबसेट ऑफ बी है एंड बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। ए और बी इक्वल सेट्स हो जाएंगे अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम प्रूव करेंगे जब चीजों को सेट्स पर हमारे पास प्रूविंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो जब हम उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगे तो उनमें कहीं ये यूज करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे, सबसेट्स में हमने अभी डिस्कस किया था कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें हमने कहा था कि हमें सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स का भी देखना है, ठीक है। तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, और दूसरा जो देखना है वो एज एन इंटरवल। तो दो चीजें देखनी है हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात अगर करें, तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स में क्या क्या आएगा। हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया हुआ है, तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो नंबर सिस्टम डिस्कवर हुआ था वो था नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम को हम एन से डिनोट कराते हैं, तो ये एन जो है हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर भी होगा, क्योंकि जिस तरह से डिस्कवरी हुई थी तो एन इज सबसेट ऑफ W फॉर होल नंबर्स। ये दोनों बहुत ही ज्यादा करीब हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के जो सेट हैं उस वो वन से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, और जो होल नंबर्स के सेट है वो हमारे पास जीरो से शुरू होते हैं, जीरो और नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स। तो इस तरह से ये एक एलिमेंट ज्यादा होने के कारण हमारे पास n जो है वो सबसेट ऑफ w हो गया, क्योंकि नेचुरल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स वो होल नंबर्स के भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन होल नंबर्स के सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में नहीं है। जीरो एक होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सारे तो बराबर ही हैं, ठीक है। अब w से आगे बढ़े, अगर होल नंबर से आगे बढ़े तो होल नंबर के बाद हमारे पास बारी आती है इंटीजर्स की, जिसको कि हम जेड से डिनोट कराते हैं। जेड में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स मतलब अगर हम जेड की बात करते हैं तो हमारे पास माइनस वाले साइड, जो नंबर लाइन का माइनस वाला साइड होता है वो भी आता है। फिर जेड के बाद जो बारी आती है वो है रैशनल नंबर की, जिसको कि हम क्यू से डिनोट कराते हैं। क्यों, ध्यान रखने के लिए आप कोशेंट, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो एज अ कोशेंट ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स लिख सकते हैं,
तो हम क्यों से इसको डिनोट कराते हैं, ठीक है। क्यों के ही पैरेलल एक सिस्टम है वो है टी। क्यों है रैशनल नंबर्स टी, बताइए क्या है टी? जो है वो इरेशनल नंबर्स के लिए यूज होता है, मतलब कोई नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, मतलब कोई भी नंबर या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन देता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जब हम उसको डिवाइड करके डेसिमल के फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं। और कोई कोई नंबर ऐसे होते हैं जिनका कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर और है नॉन, अगर टर्मिनेटिंग हो गया ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो वो रैशनल नंबर्स हो गए। जबकि रैशनल नंबर्स क्या हो जाते हैं, जो कि ना तो टर्मिनेट करते हैं मतलब ना तो रुकते हैं, मतलब हमें डिवीजन करते रहना पड़ता है, चलता रहता है, या फिर जो भी तरीका है, जैसे रूट टू है, रूट टू का अगर हम निकालने बैठे तो मिलियंस डेसिमल प्लेसेस तक हम निकाल देंगे, लेकिन विदाउट अ रिपीट, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक्स वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड, ठीक है। तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स में रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई के बारे में हमने नाइन्थ क्लास में डिस्कस किया था कि वाई पाई इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रैशनल नंबर, व्हाइल इट इज रेशियो ऑफ व्हाट, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर, राइट। तो यहां पर जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों जो है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, मतलब ये भी और ये भी दोनों ही सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन से हो गए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो हमने जो है ये सेक्शन भी देख लिया जिसमें कि हमने सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स देखे। अब हम जो है इसको और आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं सबसेट्स एज एन इंटरवल। और जो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है वो इंटरवल की तरह एक्सप्रेस्ड होते हैं, बाकी कोई नहीं। नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर्स या रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सारे के जो हैं वो एज एन इंटरवल नहीं लिखे जाते हैं, वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो एज एन इंटरवल एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो हमारे पास सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स एज एन इंटरवल, ठीक है। तो हम यहां पर इंटरवल, बेसिकली इंटरवल पर हमारा जोर रहेगा। इंटरवल के बारे में हम जानेंगे कि इंटरवल्स क्या, मतलब किस तरह से क्या होता है। तो हमारे पास चार तरह के इंटरवल होते हैं। चार तरह के इंटरवल में एक इंटरवल हम लिखते हैं सिंपल ब्रैकेट में। अगर हमने यहां पर ए कॉमा बी लिख दिया, मतलब ये एक इंटरवल है, सबसेट ऑफ रियल नंबर है। इसमें ए और बी के बीच के सारे नंबर्स आएंगे, सारे रियल नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट फॉर ए एंड बी, मतलब इसमें जो बॉर्डर वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगे। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड ये जो एक्स है वो ए से तो बड़ा हो और बी से छोटा हो, तभी हम उसको इस ग्रुप में, इस सेट में रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ये जो है लेस देन है, मतलब ए इज नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूजन के लिए क्या होगा, इक्वल टू हमें लगाना होगा, ठीक है। दूसरा इंटरवल है ए और बी, इसमें देखिए ये क्या है,
एक साइड तो क्लोज्ड है, दूसरी साइड ओपन है। ये ओपन है, इसको हम ओपन ब्रैकेट कहते हैं और ये क्लोज ब्रैकेट कहते हैं। तो ये सेमी ओपन हो गया जो कि राइट साइड से खुला हुआ है, मतलब इसमें इस इंटरवल में ए तो आएगा पर बी नहीं आएगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल लेस देन बी, मतलब इक्वल टू यहां पर बी के साथ नहीं रहेगा, ए के साथ रहेगा। यू कैन सी दिस। तो हमारे पास इस तरह का होता है। फिर अगला इंटरवल होता है जिसमें कि ए इंक्लूडेड नहीं होता है और बी इंक्लूडेड होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो आप कर सकते हैं अब। और एक और होता है जो कि क्लोज्ड ब्रैकेट होता है, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड यहां पर ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये चार इंटरवल्स के टाइप हो गए। तो हम जो है सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स एज एन इंटरवल इस तरह से लिखते हैं, मतलब हमें ए और बी के बीच के सारे नंबर्स आएंगे, इसमें ए भी आएगा बी नहीं आएगा और उनके बीच के सारे एलिमेंट्स आएंगे, इसमें ए नहीं आएगा बी के सारे बी और ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स, जबकि यहां पर इंक्लूडिंग ए एंड बी ऑल द एलिमेंट्स विल बी देयर। ठीक है, तो सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स भी हमारे पास इस तरह से एज एन इंटरवल रिप्रेजेंटेड होता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में एक और चीज पूछते हैं कि लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल बेसिकली क्या है? तो यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगा, बी माइनस ए। तो ये सभी में लेंथ ऑफ इंटरवल बी माइनस ए ही होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स कर लिया। अब जो है हम जो करने जा रहे हैं वो है पावर सीट। पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट कोई भी पावर सेट को डिफाइन करने के लिए लेट अस टेक अ सेट, एक स्मॉल सेट लेते हैं जिसमें कि हमने सिर्फ दो एलिमेंट्स वन एंड टू रखा हुआ है। अब इसके सबसेट्स की बात करें अगर, तो हमारे पास फाई एक सबसेट होगा जो कि बाय डिफॉल्ट किसी का भी सबसेट होता है। तो आप ध्यान रखिए ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो फाई को आप यहां पर जैसे फाई इज एम्प्टी सेट, तो ये भी आप लिखते हैं। ठीक है, तो फाई बाय डिफॉल्ट सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो इस तरह से ये ए का भी सबसेट होगा। तो ये हमने सबसेट ऑफ ए लिखा एक। फिर हम यहां पर वन जो है सबसेट लिखेंगे, फिर हम टू लिखेंगे। ये सबसेट लिखने का एक तरीका होता है, अगर हमें सारे सबसेट्स लिखने हैं तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक बार सिंगल, फिर दो के कॉम्बिनेशन में, अगर दो से ज्यादा हैं तो तीन के कॉम्बिनेशन में, और फिर सो ऑन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सारे और पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने होते हैं। तो हमारे पास इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स जो है किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर वन बढ़ जाते हैं तो उधर ट्रेमेंडस इंक्रीमेंट हो जाता है, तो वो हम अभी देखेंगे। एक्चुअली वी हैव अ फॉर्मूला, हम पूरा सबसेट नहीं लिखेंगे और पूरे कॉम्बिनेशंस में नहीं जाएंगे, वी विल यूज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट हाउ मेनी सबसेट्स अ सेट विल हैव, कितने सबसेट्स किसी सेट के पॉसिबल होंगे वो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, यहां पर फाई वन टू और एक और है जो कि इटसेल्फ, कोई भी सेट जो है अपने आप का भी सबसेट होता है। तो इस तरह से हमने यहां पर फाई वन टू और वन टू निकाला। ठीक है, अब अगर मान रखिए कि
कि हम इन सभी का एक सेट बना लें, मतलब एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें कि जो एलिमेंट्स हैं वो अपने आप में एक सेट हो। यहां देखिए 5 एम्प्टी सेट है, पर है तो ये सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, फिर भी हम इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, तो यानी कि ये एक सेट है। इसी तरह से ये इन दोनों में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो जिस भी सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम सिंगलेटन सेट कहते हैं, सिंगल से सिंगलेटन सेट बन गया। और फिर ये जो है ये सेट इटसेल्फ है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि किसी भी सेट में जो भी एलिमेंट होंगे वो अपने आप में तो होंगे, तो वो सबसेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो कोई भी सेट अपने आप का भी सबसेट है, इस तरह से ये भी आ गया। और पावर सेट बना देते हैं ये, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से, ठीक है। तो हमने पावर सेट को डिफाइन कर लिया। अभी पावर सेट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो ये पावर सेट हो गया, इसको हम पी ए से डिनोट करा देते हैं, तो ये हो गया पावर सेट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप किसी भी सबसेट, किसी भी सेट का अगर पावर सेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सारे सबसेट्स लिख देंगे और उसको हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में डाल देंगे, ताकि वो एक सेट बन जाए जिसके कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सभी अपने आप में सेट हों, तो ये जो है पावर सेट बना देते हैं, ठीक है। और पावर सेट को हमने डिफाइन कर लिया। पावर सेट वो सेट है जिसमें कि किसी भी गिवन सेट के सारे सबसेट्स होते हैं, ऑल सबसेट्स आर द एलिमेंट्स ऑफ दैट पावर सेट, ऑफ दैट सेट, ठीक है। पावर सेट हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट की बारी। यूनिवर्सल सेट तो ऐसे क्या हुआ, यूनिवर्स से यूनिवर्सल बन गया, जो कि सब जगह एप्लीकेबल है। पर यहां सेट में यूनिवर्सल सेट का क्या मीनिंग है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है कि यूनिवर्सल जो है ना, हम मिनिमम पॉसिबल लेके मैक्सिमम पॉसिबल तक जा सकते हैं। जैसे अगर नेचुरल नंबर और रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, तो जो रियल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास जो भी थे, नेचुरल नंबर था, फिर होल नंबर था, फिर हमारे पास इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स, इन सभी के लिए जो यूनिवर्सल सेट होंगे होगा, यूनिवर्सल सेट हम क्या मान सकते हैं, यूनिवर्सल सेट विल बी आर, समझ गए, किसके लिए, एन डब्ल्यू जेड क्यू टी, मतलब नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, सभी के लिए यूनिवर्सल सेट जो है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए, यूनिवर्सल सेट को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सेट का एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, यहां पर मान रखिए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक है, ठीक है। अब अगर हम एक दूसरा सेट कंसीडर करते हैं बी, तो यहां पर अगर हम ले लें 2, 4, 6, फिर एक तीसरा सेट ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, तो अगर आप देखें तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, साथ ही सी के भी सारे एलिमेंट्स ए में हैं। इस तरह से बी जो है सबसेट ऑफ ए है, सी भी सबसेट ऑफ ए है, तो ए जो है बी और सी दोनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एज बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, सो
ए इज, ए इज यूनिवर्सल सेट फॉर बी एंड सी, ठीक है, बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा कौन, ये जो ए है जिसमें की वन से लेकर टेन तक के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह से आज हमने सेट्स के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण जो कैरेक्टरिस्टिक है या टाइप है कहिए, वो देखा हमने, वो है सबसेट्स। सबसेट्स हमने डिस्कस कर लिया। सबसेट्स में भी हमने दो और चीजें देखी कि सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स और सबसेट ऑफ रियल नंबर एज एन इंटरवल, तो वो दो चीजें हमने डिस्कस करी वहां पर। फिर हमने देखा पावर सेट, पावर सेट को हमने फॉर्मली डिफाइन किया, और फिर हमने कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट देखा। यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट जो है, देखिए मिनिमम से लेकर के मतलब जहां पर से काम चल जाए, अब जैसे यहां पर 1 से लेकर 10 तक है, अब 1 से 20 तक भी होगा तो वो जो है बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा, ठीक है। तो कभी कंफ्यूज मत होइए, इवन अगर हम यहां पर 7 तक ही लेंगे तो भी वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, बहुत ध्यान से समझने की चीज है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए आप बहुत ध्यान से समझिए कि यूनिवर्सल सेट क्या है। पावर सेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें सारे सबसेट्स लिखने होते हैं और उसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देंगे, और अगर ए एक सेट गिवन जो सेट है वो ए है तो हम पी ए लिख देते हैं, बी है तो पी बी लिख देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। और सबसेट्स क्या है, तो हमने सबसेट्स को भी फॉर्मली डिफाइन किया, और फिर हमने एक और चीज देखी जो कि आगे जाकर के काम आएगा, वो था कि अगर हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होगा तो हम दोनों सेट्स को आपस में ये दिखाएंगे कि एक दूसरे के सबसेट्स हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरा सेट भी पहले सेट का सबसेट है, तो वो दोनों सेट्स मस्ट बी इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स को दिखाने के लिए हम सबसेट्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज के सेशन में जितनी भी चीजें डिस्कस हुई हैं वो सारी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, और हम बहुत जल्द फिर फोर्थ वीडियो सेशन के साथ मिलेंगे, जिसमें कि हम वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज डू सो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल दोज अपकमिंग वीडियोस। आपको उन सभी अपकमिंग वीडियोस की जानकारी मिल जाए जब भी वो अपलोड किए जाएं, ताकि आपको पढ़ने में मदद मिले। साथ ही नेवर हेजिटेट टू शेयर दिस चैनल, दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप हमेशा यू मस्ट फील फ्री, आप हमेशा फ्री फील करिए और उनको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।